नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी एवं जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा ने संतुष्टि करते हुए मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की। इस दौरान भाजपा नेत्री श्रीमती पूजा मंडल को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पूजा मंडल, दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए ये भी जानते हैं। उधम सिंह नगर में चल रही स्कॉलरशिप घोटाले की जांच में एसआईटी को समाज कल्याण विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा जो एसआईटी को विद्यालयों की लिस्ट दी गई थी, उस लिस्ट में एक ही विद्यालय के नाम तीन तीन बार दिए गए हैं, जिस कारण छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी को जाँच करने में काफी दिक्कत आ रही है। उधम सिंह नगर में चल रही छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की एसआईटी प्रभारी देवेंद्र पिचा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से समय पर दस्तावेज न उपलब्ध होने पर टीम को दिक्कत आ रही है, लेकिन विभाग द्वारा एसआईटी के टीम की छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज उपलब्ध करा देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 215 कॉलेज की नाम एसआईटी की टीम को दिए गए थे, जिसमें आधा दर्जन से अधिक कॉलेज ऐसे हैं जिसका नाम कई बार रिपीट किया गया है, जिससे एसआईटी की टीम को जाँच करने में दिक्कत आ रही है। आइए जानते हैं इस पर देवेंद्र पीचा का क्या कहना है। सर, कई मामलों में देखा गया है कि जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ से डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे, तो किस तरह के नहीं, उनको हम रिपीटेडली बार बार लिख रहे हैं, बल्कि उनसे मीटिंगों में भी हमने बात की है कि हमें जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दें। वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, संभवतः डिस्प्लेस हो गए हैं, लेकिन जैसा भी हो वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी बार बार रिपीटेडली लिख रहे हैं, देखें जब तक डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे नहीं हम भी जान पा रहे हैं। लुकेंगे यहाँ ब्रेक के लिए, देखते रहिए के भारत।